हेलो गाइस कैसे हैं आप लोग होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड स्टडी वेरी वेरी हार्ड आज हम लोग स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र रिएक्शंस जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र रिएक्शंस है ना हमें टफ लगती हैं अप्लाई करनी टफ लगती है पर ये बहुत ज़्यादा इजी होती है जस्ट ट्रस्ट में हम इनको पॉइंट्स की फॉर्म में याद करेंगे ठीक है समझेंगे और फिर जो वो पॉइंट्स हैं ना बस वो क्वेश्चन पर अप्लाई करेंगे देखेंगे कि ये अप्लाई करने पे क्या ये आउटर स्पेयर मैकेनिज्म बनता है कि इनर स्पेयर मैकेनिज्म बनता है दो ही तरीके के मैकेनिज़्म है बस उसमें से टिक कर देंगे लास्ट में हम इससे रिलेटेड चार क्वेश्चंस कर लेंगे तो हमारे दिमाग में कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कोऑर्डिनेशन के तो मैं करवाऊंगी ही करवाऊंगी तो वहाँ से आपको ये कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा ठीक है तो इसको हम पॉइंट्स के फॉर्म में करेंगे टेबल के फॉर्म में करेंगे इसी तरीके से समझेंगे तो जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन होती है ना इसी को

ठीक है ये टेलेंसली हो रही है जो ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र रिएक्शंस होती हैं मेनली ये दो तो टाइप की होती हैं एक तो होती है सेल्फ एक्सचेंज रिएक्शन और एक होती है क्रॉस रिएक्शन एक होती है क्रॉस रिएक्शन एक होती है सेल्फ एक्सचेंज रिएक्शन मतलब अगर मेटल आयन्स सेम हैं ठीक है अगर मेटल्स आयन मतलब जैसे मान लो एफ ई टू पॉजिटिव का कॉम्प्लेक्स है और एक एफ ई थ्री पॉजिटिव का कॉम्प्लेक्स है दोनों में मेटल आयन अगर सेम है तो वो रिएक्शन क्या होगी सेल्फ एक्सचेंज रिएक्शन क्रॉस रिएक्शन का मतलब है मान लो एक कॉम्प्लेक्स है Fe2 पॉजिटिव का उसकी रिएक्शन हो रही है कोबाल्ट थ्री पॉजिटिव के साथ तो अगर मेटल आयन डिफरेंट है तो वो क्या हो जाएंगी क्रॉस रिएक्शन बिल्कुल सिंपल शब्दों में ठीक है और इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि हमेशा क्रॉस रिएक्शन का जो रेट होता है रेट ऑफ क्रॉस रिएक्शन इज ऑलवेज ग्रेटर देन सेल्फ एक्सचेंज रिएक्शन रेट ग्रेटर का मतलब है कि क्रॉस रिएक्शन ऑलवेज अक्कर वेरी वेरी फास्ट क्रॉस रिएक्शन अक्कर वेरी वेरी फास्ट देन दैट ऑफ द सेल्फ एक्सचेंज रिएक्शन वेरी वेरी फास्ट देन सेल्फ रिएक्शन मतलब आपको दो कॉम्प्लेक्स फॉर एग्जांपल दे रखे हैं दो रिएक्शन दे रखे हैं आपको रेट बताना है कि किसका ज़्यादा होगा अगर आपको डिफरेंट मेटल आयंस दिख रहे हैं तो सिंपल सी बात है आप डिफरेंट मेटल आयंस को टिक लगा दोगे ठीक है सेकेंडली जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शंस होती हैं हमें पता है इसमें क्या हो रहा है ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है क्या हो रहा है ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो इसमें क्या होता है जब रिएक्शन होती है तो सब्सिट्यूशन ऑफ द लीगेंट मतलब कि लीगेंट का जो सब्सिट्यूशन होता है उसका रेट बहुत कम होता है सब्सिट्यूशन ऑफ लीग लीगेंट रेट ऑफ सब्सिट्यूशन ऑफ लीगेंट रेट ऑफ सब्सिट्यूशन ऑफ लीगेंट इज वेरी वेरी स्लो देन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जब हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन जो पढ़ रहे हैं आउटर इनर इनर्सफेयर इसमें लिगेंड ट्रांसफ़र नहीं होते क्योंकि वो इतने स्लो होते हैं कि उससे पहले ही इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र uh, हो जाता है और रिएक्शन हो जाती है मतलब पहले इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो जाता है लिगेंड सब्सिट्यूट हो ही नहीं पाता तो जब इनके बीच में रिएक्शंस होती है तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन का इन्वॉल्वमेंट है चाहे वो इनर्सफेयर है चाहे वो आउटर स्फेयर लीगेंड का एक्सचेंज नहीं होता है इसमें उससे पहले ही हमारा क्या हो जाता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाता है ठीक है आप आपको ये वाली तीन चार बातें पता चली नंबर वन रिडॉक्सीक्शन नंबर टू ये दो तरीके की होती है एक तो सेल्फ़ एक्सचेंज होती है एक क्रॉस होती है ये सेम में होती है डिफरेंट में होती है इसका रेट ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर ये हो गया थर्ड पॉइंट फोर्थ पॉइंट रेट ऑफ सब्सिट्यूशन ऑफ द लिगेंड इज़ वेरी वेरी लेस देन दैट ऑफ द इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र ये मेन चार पॉइंट्स हैं किसके इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र रिएक्शन के पचवा पॉइंट फिफ्थ पॉइंट एक और है कि इट इज़ ऑफ टू टाइप्स मतलब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन एक तो ये दो टाइप के हो गए और ये दो तरीके के होते हैं एक तो आउटर स्वेयर आउटर स्वेयर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन वो पूरा का पूरा लिख लोगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन और एक इनर स्वेयर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र रिएक्शन मतलब ये दो तरीके के होते हैं ठीक है अब आज की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे आज की क्लास में हम पढ़ेंगे आउटर स्फेयर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन और उसका मैकेनिज्म पढ़ेंगे लास्ट में हम मार्कस इक्वेशन करेंगे कल हम करेंगे इनर स्फेयर रिएक्शन और जो इनर स्फेयर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन होती है उसके अंदर हम दो और बड़ी बड़ी चीज़ें पढ़ेंगे एक होता है एक्सेलरेशन और एक होता है कि कौन सा क्या कहते हैं रिएक्शन फास्ट होगी कौन सी स्लो होगी वो हम कल कर करेंगे ठीक है तो आज हम करेंगे आउटर स्फेयर मैकेनिज़्म अब हम करते हैं आउटर स्फेयर मैकेनिज्म देखो मैंने यहाँ पर बहुत ही अच्छे से पॉइंट्स लिखे हुए हैं ठीक है वो इसीलिए लिख दिए ताकि आपके लिए नोट्स बनाने इजी हो जाए और हमारा टाइम ना वेस्ट हो मैं जल्दी से इसको समझा के क्वेश्चन पे अप्लाई करूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट पार्ट क्या होता है हम समझ तो लेते हैं बट हमें क्वेश्चन पे अप्लाई नहीं करना आता और क्वेश्चन पर अगर आप अप्लाई नहीं कर पाओगे क्वेश्चन कैसे अटैम्प्ट करोगे और ट्रस्ट में आपको बहुत ईजी लगने वाला है ये मेन पॉइंट्स है आउटर्स फेयर मैकेनिज्म के एक एक पॉइंट को ध्यान से पढ़ते हैं सबसे पहला पॉइंट है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर देखो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होना है फ्रॉम रिडक्टेंट टू ऑक्सीडेंट देखो अगर एसिड बेस आप लोग मेरे को फॉलो कर रहे हो अगर स्टार्टिंग से तो आपके लिए ये रिडक्टेंट ऑक्सीडेंट ऑक्सीडाइज रिड्यूस ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट ये वर्ड्स तो आपके लिए बिल्कुल चुटकियों में होने चाहिए ठीक है ये कहता है कि रिडक्टेंट से आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है टू ऑक्सीडेंट मतलब रिडक्टेंट से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होगा टू ऑक्सीडेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है रिडक्टेंट क्या होते थे रिड्यूसिंग एजेंट होते थे और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते थे जो दूसरे को रिड्यूस करे खुद ऑक्सीडाइज हो जाए मतलब ये अपना तो ऑक्सीडाइज स्पीसीज होते थे ऑक्सीडाइज स्पीसीज होते थे तो मतलब ऑक्सी डेशन होता था मतलब कि आउटर स्फीयर जो होगा वो उसमें अगर मान लो एक है एफ ई टू पॉजिटिव एक है एफ ई थ्री पॉजिटिव ठीक है अब ये बताओ एफ ई टू पॉजिटिव ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच है कि एफ ई थ्री पॉजिटिव थ्री पॉजिटिव स्मॉल है तीन इलेक्ट्रॉन दे चुका है ये दो इलेक्ट्रॉन दिया है। इसके कंपैरिजन में तो ये क्या है इलेक्ट्रॉन रिच अब रिडक्टेंट कौन होगा जो इलेक्ट्रॉन देगा मतलब जब आपके पास सामने दो कॉम्प्लेक्स होंगे तब आपको ये देखना है कि कौन सा मेटल इलेक्ट्रॉन रिच है जो इलेक्ट्रॉन रिच होगा वो इलेक्ट्रॉन को देगा किसको इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट स्पीसीज को ये इलेक्ट्रॉन रिच है ये इलेक्ट्रॉन देगा किसको इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट को इसी को हम बोल देते हैं रिडक्टेंट टू ऑक्सीडेंट क्यों क्योंकि यह है रिड्यूसिंग एजेंट रिड्यूसिंग एजेंट क्यों है क्योंकि ये अपना इलेक्ट्रॉन दे रहा है इसको क्या कर रहा है ये ये इसको कर रहा है ऑक्स रिड्यूस्ड। ये हो गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और इलेक्ट्रॉन ले लिया क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन लिया तो ये हो गया रिड्यूस्ड और अगर ये रिड्यूस हो गया मतलब इसमें क्या हुई रिडक्शन ये इतना मैंने कहा था ये पूरी केमिस्ट्री में अगर ये चार वर्ड्स आपको क्लियर है केमिकल काइनेटिक्स इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कोई ये एसिड बेस ही आपके लिए बहुत ईजी होगा ठीक है तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है फ्रॉम रिडक्टेंट टू ऑक्सीडेंट मतलब जो भी इलेक्ट्रॉन रिच मेटल होगी आप उसका इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करवाओगे इलेक्ट्रॉन डिफिशंसी फर्स्ट पॉइंट सेकेंड नो मीडियम इज रिक्वायर्ड इसको कोई मीडियम नहीं चाहिए कि यहाँ पे कोई मीडिएटर हो जो इलेक्ट्रॉन को पकड़े और वो इलेक्ट्रॉन को दे आउटर स्फीयर में उसको कोई मीडिएटर की जरूरत नहीं है वो खुद ही एक टनल बनाता है इंटरनल एक टनल सा बनाता है जिससे इलेक्ट्रॉन अपना चला जाता है नो मीडियम इज़ रिक्वायर्ड उसको एक और किसी स्पीश की ज़रूरत नहीं है जो कि इनर में होता है जैसे वहाँ पर क्लोरीन ब्लोमिन आयोडीन होते हैं ब्रिजिंग लिगेंड होते हैं इनको ऐसा कुछ नहीं है ये अपना ही इंटरनल एक टनल बनाते हैं जिससे इलेक्ट्रॉन चला जाता है दैट इज़ कॉल्ड ओनली थ्रू टनलिंग अपना टनल बनाता है इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करता है ये इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नहीं भी हैं है भी नो ब्रिजिंग लिगेंट इन्वॉल्व ऑब्बियस बात है जब उसे कोई मीडियम नहीं चाहिए तो उसमें कोई ब्रिजिंग लिगेंट नहीं है ब्रिजिंग लिगेंट क्या होते हैं वो लिगेंट जिनमें टू लोन पेयर ऑफ इलेक्टोर हो मोर देन वन क्या लिखा है हैविंग लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वैसे यहाँ पे टू हैविंग टू लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए था एट लीस्ट दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जिनमें होते हैं उनको हम ब्रिजिंग लिगेंड बनाते हैं जैसे क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन जो कि होता है इनर स्वेयर में आउटर स्वेयर में ऐसा कुछ नहीं होता है इनको रिक्वायरमेंट ही नहीं होती है कॉम्प्लेक्सेस जो हम ये कॉम्प्लेक्स अभी देंगे अभी मैं आपको सारे करवाऊंगी ना एग्जाम्पल अभी तो पॉइंट बता रही हो जो हमारे कॉम्प्लेक्स होंगे वो इनर्ट भी हो सकते हैं लबाइल भी हो सकते हैं अब आप ये तो नहीं बोल सकते मैम क्या यह होता है इनर्ट और लबाइल क्योंकि थर्मोडाइनेमिक स्टेबिलिटी और काइनेटिक स्टेबिलिटी में बहुत अच्छे से बनाया काइनेटिक में मैंने दो चीज़ बताई थी इनर्ट कौन होते लबाइल कौन होते अगर आप भूल गए हो तो पहले वो क्लास दोबारा देखोगे रिवाइज करोगे तभी ये समझ में आएगी कॉम्प्लेक्सेस काइनेटिकली इनर्ट और काइनेटिकली लबाइल हो सकते हैं थर्ड ट्रांसफर अक्कर बाय पाई स्टार टू पाई स्टार ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्या बहुत इम्पॉर्टेंट बात है कि मैंने टी टू जी को पाई स्टार टू पाई स्टार क्यों कहा है जैसे अभी मैं अब आपके सामने ये हो गए सारे पॉइंट्स ये है दे आर द बेसिक पॉइंट फॉर द आउटर स्फेयर मैकेनिज्म अब कब ये मैकेनिज्म भी जैसे आपके पास दो कॉम्प्लेक्स होंगे आपसे पूछेंगे किसमें फास्ट हो रहा है उनके हैं ये पॉइंट्स वो अभी हम करेंगे पहले इन सबको पूरी तरह से क्लियर कर लें ट्रांसफर आकर बाय मतलब ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय पाई टू पाई स्टार और मीन्स टी टू जी टू टी टू डी ये क्या बात हो गई देखो हमने कहा ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में हम पढ़ रहे हैं ठीक है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में हमारी टी टू जी होती है और ई e जी होती है ठीक है अब ये कह रहा है जैसे हमने एक एग्जाम्पल ले लिया एफ ई टू पॉजिटिव ही है और एफ ई थ्री पॉजिटिव है ठीक है एफ ई टू पॉजिटिव का मतलब क्या हो गया डी सिक्स ये क्या हो गया डी फाइव ठीक है अब अगर मैं डी सिक्स बनाऊं और हाई स्पिन बनाऊं हाई स्पिन का मतलब है मैं पैरिंग नहीं करा रही हूँ हाई स्पिन वन टू थ्री फोर एंड फाइव और सिक्स इलेक्ट्रॉन यहां पे आएगा ये ये क्या होगा D5 फाइव वन टू थ्री फोर एंड फाइव ठीक है अब इसमें हो क्या सकता है कि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से उठे ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ से उठे और ये यहाँ पे चला जाए ये हो गया इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर अब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कैसे हुआ फ्रॉम ये हमारा क्या था टी टू जी ये था ई जी ये भी है ई जी ये है टी टू जी ये कहता है आउटर स्वेयर मैकेनिज्म में जनरली इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है फ्रॉम टी टू जी टू टी टू जी अगर मान लो ये फिल्ड होता फॉर एग्जाम्पल अगर ये ऐसा होता वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स से पहले से फिल्ड है तो अब इलेक्ट्रॉन कहाँ जाता है ये उठ के ई जी में जाता यहाँ पे अभी इलेक्ट्रॉन क्योंकि तीन इलेक्ट्रॉन अभी आ सकते हैं पूरा फिल्ड होना चाहिए ना पहले ये तो यहाँ इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हम कर रहे हैं फ्रॉम टी टू जी टू टी टू जी तो अगर टी टू जी से टी टू जी में ट्रांसफ़र हो रहा है तो वहाँ पे कौन सा मैकेनिज्म फॉलो होता है वहाँ पे मैकेनिज़्म फॉलो होता है आउटर स्वेयर मैकेनिज्म चलो मतलब अगर मैंने एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी और अगर वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जो लास्ट इलेक्ट्रॉन था वो टी टू जी से टी टू जी में जा रहा है तो मैं बोलूँगी इसमें क्या हो रहा है आउटर स्फेयर मैकेनिज्म हो रहा है ठीक है पर मैंने इसको पाई स्टार टू तो पाई स्टार क्यों लिखा ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है हमें पता है जो ऑक्टाहीड्रल स्पीसी होती है उसमें मान लो ये हमारी एक्सेस हैं एक्स वाई एंड जेड ठीक है हमें पता है यहाँ पे मान लो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर वाली डी ऑर्बिटल है यहाँ पे डी जेड स्क्वायर है और हमें पता है इन बिटवीन कौन सी एक्सेज हो तीन होती हैं डी एक्स वाई डी वाई जेड एंड डी जेड एक्स ये बहुत ध्यान से सुना बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है लिकेंड अप्रोच करता है इन ऑक्टाहेड्रल स्पीडी अलोंग द एक्सेस यहाँ से मेरे मान लो ये मैंने बना दिए लिकेंट्स ठीक है लिकेंट मेरे कहाँ से अप्रोच कर रहे हैं अलोंग द एक्सेस जिसके वजह से क्या होता है अलोंग द एक्सेस जिसके वजह से क्या होता है इनको ज़्यादा रिपल्शन फील करता है जिसके वजह से इनकी एनर्जी हो जाती है हाई ये बात हमको सबको पता है अब और ध्यान से सुनो मान लो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ प्रेजेंट है एक यहाँ प्रेजेंट है एक यहाँ प्रेजेंट है एक यहाँ प्रेजेंट है एक यहाँ प्रेजेंट है लीगेंट आ रहा है यहाँ से अब ये जो लीगेंट आ रहा है अप्रोच कर रहा है अलोंग द एक्सिस अब यहाँ पे क्या हो रहा है बिकॉज ऑफ द यू नो लीगेंट इज अप्रोचिंग अलोंग द एक्सेज जो ये लीगेंट यहाँ पे आया तो लीगेंट मेटल के साथ पहला पहला मैंने बताया मेटल हमेशा पहला बॉन्ड जो लीगेंड और मेटल के बीच में बनता है वो बनता है सिग्मा बॉन्ड ये मैंने बताया था आपको कलर स्पेक्ट्रा में एवरी लीगेंट इज़ फर्स्ट आ सिग्मा डोनर पहले ये सिग्मा बॉन्ड बनाएगा ठीक है अब सेकेंड में क्या होगा ये वाले इलेक्ट्रॉन इन्होंने तो सिग्मा बॉन्ड बना लिए इन इलेक्ट्रॉन ने क्योंकि लीगेंट यहाँ अप्रोच कर रहा था तो इन्होंने तो सिग्मा बॉन्ड बना लिया ठीक है ये शील्डेड हैं बिकॉज ऑफ द लीगेंट लीगेंट इनको घेरे हुए हुआ है इन इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र कराना बहुत 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 ज़्यादा मुश्किल है ये इलेक्ट्रॉन के पास कोई शील्डिंग नहीं है लीगेंट्स की क्योंकि यहाँ कोई लीगेंट है ही नहीं तो इन लीगेंट को ट्रांसफ़र कराना ज़्यादा ईजी है पहली बात इसीलिए ट्रांसफर होता है फ्रॉम टी टू जी टू टी टू जी सेकेंड मैंने इनको पाई स्टार क्यों कहा क्योंकि अब सिग्मा बॉन्ड बन चुका है इनके साथ क्योंकि लिगेंड यहां अप्रोच कर रहा था तो सिग्मा बॉन्ड बन चुका है अब जो बॉन्ड बनेगा जो ये बनाएंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करके वो क्या बनाएंगे पाई बॉन्ड बनाएंगे वो क्या बनाएंगे ये जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करके जो बॉन्ड अब बनेगा वो क्या बनेगा पाई बॉन्ड क्योंकि पहला बनता है सिग्मा बॉन्ड फिर जब मेटल लीगेंड को ही वापस करती है तो वो बॉन्ड को हम क्या बोल देते हैं पाई बॉन्ड इसलिए हम बोलते हैं दैट इलेक्ट्रॉन इज़ ट्रांसफरिंग फ्रॉम टी टू जी टू टी टू जी और फ्रॉम पाई स्टार टू तो पाई स्टार फिर से सुनते हैं इन शॉर्ट ये हमारा स्ट्रक्चर था लीगन ऑन द एक्सेस अप्रोच कर रहे थे ही बात है लीगन जब यहाँ अप्रोच करेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन शील्डेड होंगे बिकॉज ऑफ द लीगिन ये शील्डेड है प्रोटेक्टेड है लीगन से ये ओपनड पड़े तो ये इजिली ट्रांसफर हो जाएंगे टू द अनादर कॉम्प्लेक्स थ्रू टनलिंग बिकॉज दे आर नॉट शील्डेड बाय द लीगन क्योंकि ये टी टू जी में प्रेजेंट है इसीलिए हम कह रहे हैं कि इन आउटर्सफेयर द इलेक्ट्रॉन इज ट्रांसफर फ्रॉम टी टू जी टू टी टू जी नाउ द सेकेंड क्वेश्चन अराइज इज वाई इट इज कॉल्ड पाई बॉन्ड क्योंकि लीगेंड जब फर्स्ट अप्रोच कर रहा है वो अलोंग द एक्सिस कर रहा है तो इनके बीच में सबसे पहला बॉन्ड जो बनेगा वो कौन सा बॉन्ड बनेगा हमेशा पहला बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड बनता है सिग्मा बॉन्ड बन चुका है अब इलेक्ट्रॉन ये वाले अवेलेबल हैं ये इलेक्ट्रॉन ये ट्रांसफर करेगा मेटल लीगेंड को तो ये कहाँ से कर रहा है D2G टू जी से और बना क्या रहा है पाई बॉन्ड इसीलिए हमने इसको ही दूसरा नाम बोल दिया पाई स्टार टू पाई स्टार इसने क्योंकि सिग्मा बॉन्ड बनाया इसीलिए बोला सिग्मा स्टार और इसको बोला सिग्मा स्टार वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है चलो ये थी कहानी अभी तक की अब हम करते हैं कि ठीक है हमें समझ में आ गया अगर टी टू जी से टी टू जी करेंगे तो आउटरसफियर होगा अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे दिमाग के अंदर कि कौन सी वो कंडीशन है जब आउटर स्फेयर मैकेनिज्म ज़्यादा तेजी से होगा मतलब दो रिएक्शन दे रखी है आपको और आपको बताना है कि कौन से में फास्ट है तो वो कौन कौन सी कंडीशन हैं तो नंबर वन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर अगर टी टू जी से टी टू जी में हो रहा है तो दैट विल बी फास्ट ठीक है ये तो अभी हमने देख लिया सेकेंड स्पिन अलाउड ट्रांजिशंस ये तो हमने पता ही है कि जब ट्रांजिशंस होती हैं तो कौन सी वाली ट्रांजिशन फॉरबिडन होती है जो स्पिन अलाउड नहीं होती तो अगर वो स्पिन अलाउड है स्पिन अलाउड का मतलब है कि मान लो यहाँ पे जो स्पिन मल्टीप्लीसिटी यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल वन टू थ्री फोर ऐसे है स्पिन मल्टीप्लीसिटी वन टू थ्री फोर तो स्पिन मल्टीप्लीसिटी कितनी हो जाएगी फाइव ठीक है अब यहाँ जब मैंने उसको ट्रांसफ़र किया फॉर एग्ज़ाम्पल ऐसे था ये ठीक है अब मैंने जब इसको ट्रांसफ़र किया ट्रांसफ़र होने के बाद अगर स्पेंस मल्टीप्लिसिटी फाइव ही रहती है तो वो ट्रांजिशन अलाउड होगा अगर चेंज हो जाएगा तो नहीं होगा ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है जस्ट फॉर द थर्टिकल बेस जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो है जिनको मैं रेड से टिक कर रही हूँ ये तीन चार पॉइंट्स वेरी इंपॉर्टेंट अगर किसी कॉम्प्लेक्स में आपको पाई एक्सेप्टर लीगेंट्स दिख जाए तो आप सीधा आंसर लगाओगे कि वो फास्ट है अब आप पूछोगे मैम ऐसा क्यों क्योंकि अभी मैंने बताया कि पहले मेटल लीगेंट के साथ सिग्मा बॉन्ड बना रहा है इसके बाद जो इसके टी टू जी में जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट थे वो इसको ट्रांसफर करने हैं अब ये इसको ट्रांसफर कब कर पाएगा जब ये लीगेंट क्या होगा पाई एक्सेप्टर लीगेंट होगा भाई उसके पास खाली जगह होगी तभी तो अगर ये पाई डोनर होगा तो क्यों एक्सेप्ट करेगा मेरे पास तो पहले ही लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से मैं क्यों लूंगा इलेक्ट्रॉन तो आउटर स्वे तब बहुत फास्ट होता है जब उसके पास लीगेंड पाई एक्सेप्ट लीगेंड्स होते हैं नेक्स्ट इफ बोथ द कॉम्प्लेक्सेस आर लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस अब ये क्यों अब देखो लो स्पिन होगा तो काफ़ी प्रोबेबिलिटी है कि ट्रांसफर टी टू जी से होगा लो स्पिन होगा तो प्रोबेबिलिटी ज्यादा है कि ट्रांसफर टी टू जी जैसे मान लो ये लो स्पिन था आप सारे के सारे इलेक्ट्रॉन टी टू जी में है फिल्ड है अच्छा खासा होमो है तो ये आराम से ट्रांसफर कर देगा प्रोबेबिलिटी ज्यादा है ना स्ट्रॉन्ग अगर फील्ड लिगेंट है वो पेयरिंग करा देगा पेयरिंग करा देगा थ्री टू जी में इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है अगर टी टू जी में अवेलेबल है तो रिएक्शन फास्ट होगी क्योंकि मैंने कहा कि आउटर स्फीयर में क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ से ट्रांसफर कराना ईजी है क्योंकि यहाँ पर तो लिगेंड है यहाँ लिगेंड नहीं है इन इलेक्ट्रॉन को निकालना बहुत आसान है ठीक तो है तो इफ बोथ द कॉम्प्लेक्सेस आर लोस्ट आप क्वेश्चन अप्लाई करेंगे ना तब आपको जल्दी अच्छे से समझ में आएगा और इफ़ कॉम्प्लेक्सेस आर इनर्ट इनर्ट क्यों जब अभी मैंने काइनेटिक वाली क्लासेस कराई थी जो कनेटिकली में मैं इनर्ट और लबाइल कर रही थी तब मैंने आपको साफ सीधे शब्दों में बताया था कि उसमें दो मेन थेरीज़ थी बी बी टी एंड सी एफ टी और मैंने कहा था सी एफ टी को दिमाग में लेकर चलना वहाँ मैंने ये बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन टी टू जी में प्रेजेंट होते हैं जो इलेक्ट्रॉन टी टू जी में प्रेजेंट होते हैं वो क्या होते हैं इनर्ट और जो ई में जब इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं वो हो जाते हैं लबाइल और यहाँ पे पूरी कहानी चल रही है कि हमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कराना है टी टू जी से टी टू जी तो कॉम्प्लेक्स अगर इनर्ट होगा तो ऑब्वियस है इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर फास्ट होगा ठीक है ना तो क्योंकि वो टी टू जी से ट्रांसफ़र कर रहा है तो दीज आर द मेन पॉइंट्स जो आपको रिएक्शन के अंदर देखना है कि भाई इन दोनों में क्या हो रहा है अभी मैं आपको एग्जाम्पल्स कराती हूँ तीन चार इसके बाद क्वेश्चन करेंगे तब आप लोगों को पता चलेगा कि ये पॉइंट्स कितने इंपॉर्टेंट हैं इनको मैं लिखे रहने दूँगी यहीं पर सो दैट वी कैन कंपेयर इट वेरी इजिली ओके चलो अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तो गाइस अब हम लोग करते हैं दोनों क्वेश्चन से को ये क्वेश्चन मेरे सामने था ठीक है आपसे क्या क्वेश्चन पूछेंगे अभी तो मैंने ये अलग अलग पहले बता रही हूँ कि कुछ सारे पहले पॉइंट्स क्लियर कर दूँ मैं क्वेश्चन कैसे आएंगे दो रिएक्शन दे रखी होंगे आपसे पूछेंगे किसका रेट ज़्यादा है इसमें कौन सा मैकेनिज्म फॉलो हो रहा है तो आप कैसे करोगे सबसे पहले देखोगे देखो हमारे मेटल सेम है कोई ब्रिजिंग लिगेंड नहीं है यहाँ पे सी यल, ब्रोमीन आयोडीन तो दिमाग में तो आ गया ये आउटर आउटरसफेयर होगा ठीक है फिर नेक्स्ट हम क्या करेंगे हम इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे X माइनस सिक्स इज इक्वल टू माइनस फोर सिक्स वहाँ पर गया X इज इक्वल टू प्लस टू यहाँ पे क्या है X माइनस सिक्स इज इक्वल टू माइनस थ्री तो X इज इक्ल टू आ गया प्लस थ्री मतलब यहाँ पे है आयरन इन टू प्लस में यहाँ पे आयरन है इन थ्री प्लस में टू प्लस का मतलब है यहाँ पे है डी सिक्स और यहाँ पे है हमारा डी फाइव ठीक है अब मैंने ही पहले ही बताया था प्लस टू इलेक्ट्रॉन रिच है ऑब्वियस सी बात है पहले हम इसका ड्रॉ करेंगे डायग्राम ठीक है हमारा देखा सी एन सी एन क्या है स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड है पहला मैंने ये भी बताया था कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड होगा तो कौन सा कॉम्प्लेक्स बनाएगा लो स्पिन बनाएगा तो वो भी फास्ट हो सकती है रिएक्शन ठीक है पहले वन टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स यहाँ पे फाइव है वन टू थ्री पर सी ये नहीं है तो यहाँ पे भी क्या होगा फाइवल अपना पेरिंग होगी ठीक अब यहाँ हम देख रहे हैं कि दैट इलेक्ट्रॉन इज ट्रांसफॉर्म फ्रॉम क्योंकि यहाँ पे ये पूरी तरीके से फिल्ड है ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से उठ के यहाँ पे जा सकता है यहाँ पे एक होल प्रेजेंट है एक स्पेस प्रेजेंट है मींस पहला पॉइंट पहला पॉइंट मैंने देखा एक ये पाई पाइसेप्टर लिगेंट है पाई एसेप्टर लीगेंट ठीक है सेकेंड मतलब मेरा एक जो पॉइंट था एफ पाई एस्पेक्टर लीगेंट ये तो फास्ट होगी सेकेंड हमने देखा एफ ई टू प्लस से एफ ई थ्री प्लस में जो ट्रांसफ़र हो रहा है फ्रॉम टी टू जी टू टी टू जी या इसी को बोलोगे पाई स्टार टू तो पाई स्टार मतलब इसके पाई स्टार के होमो से इसके पाई स्टार के लूमो में जा रहा है ठीक है ये इसका होमो है ये इसका लूमो है क्योंकि यहाँ पे एक स्पेस खाली है ठीक है और ये भी हमारा इंपॉर्टेंट है कि टी टू जी से टी टू जी आना चाहिए इफ़ बोथ द कॉम्प्लेक्सेस आर लो स्पिन कॉम्प्लेक्स ये भी लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है ये भी लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है बोथ कॉम्प्लेक्सेस मतलब ये वाली भी बात हो गई इनर्ट की अगर हम बात करें तो ऑब्वियस ही बात है डी सिक्स हमारा इनर्ट होता ही होता है डी थ्री एंड डी सिक्स आर ऑलवेज इनर्ट फुल्ली फिल्ड और कंप्लीटली फिल्ड वाले तो मतलब हमारी जितनी भी तीन चार बातें थी अगर दो भी बात ये मेन तो टी टू जी वाली पाई सेप्टर लीगेंट वाली अगर ये फॉलो हो गई तो वो रिएक्शन होगी फास्ट तो ये रिएक्शन होगी हमारी फास्ट ठीक है अब सेम चीज़ हम यहाँ अप्लाई करेंगे ठीक है आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्योंकि हमारा वाटर इज अ वेरी न्यूट्रल लिगेंड तो आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट अगर न्यूट्रल लिगेंड होता है तो जो होता है वही चार्ज आ जाता है तो Fe3+ ये क्या है ये भी न्यूट्रल है एफ टू प्लस अब ये देखो यहाँ पे ये हमारा क्या था रिडक्टेंट था क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है ये हमारा क्या था क्योंकि क्वेश्चन ये भी पूछ रहे थे कि इसमें से रिडक्टेंट कौन है और ऑक्सीडेंट कौन है तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ गया बट यहाँ पे ये हमारा रिडक्टेंट होगा

इलेक्ट्रोड तो क्योंकि सेम बिल्कुल ऊपर जैसा ही है यहां पे इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जाएगा जो कि टी टू जी से टी टू जी ही जाना है टी टू जी टू टी टू जी है वाटर वाटर की वजह से हाँ यार सेम नहीं हो सकता सॉरी तो यहां पर क्या होगा हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस बनेंगे वन टू थ्री फोर फाइव एंड देन सिक्स वेरी इंपॉर्टेंट सॉरी यहां ये सेम नहीं है ये यहां पे क्या होगा वन टू थ्री फोर एंड फाइव पर यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन है पहले ये वाला निकलेगा इसमें से ये इलेक्ट्रॉन जाएगा और यहां पे भी तीन स्पेसेस खाली है तो ट्रांसफर हो रहा है फ्रॉम टी टू जी टू टी टू जी टी टू जी टू टी टू जी या इसी को बोल देंगे फाइव पाइव स्टार टू पाइव स्टार तो अगर ट्रांसफर हो रहा है T2G टू T2G तो मैंने पहले ही बताया कि अगर T2G से T2G हो रहा है तो रिएक्शन को हम क्या मानेंगे हम इसको फास्ट रिएक्शन ही मानेंगे बट यहाँ पे ये यह रिडक्टेंट है और ये ऑक्सीडेंट है ये नहीं सोचना है कि इस साइड लिखा होगा तो रिडक्टेंट होगा ये भी हो सकता है यहाँ पे और अभी एक और था स्पिन अलाउड वाला स्पिन अलाउड ट्रांजेक्शन विल बी फास्ट यहाँ पे देखो वन टू थ्री फोर फोर अनपेड इलेक्ट्रॉन स्पिन मल्टीप्लिसिटी इज़ फाइव जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाएगा जैसे चला गया तो मैं इसे को और कलर से करती हूँ तो स्पिन मल्टीप्लीसिटी देखो क्या हो जाएगी वन टू थ्री फोर फाइव मैंने कहा जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो जाए और अगर स्पिन मल्टीप्लीसिटी सेम आए तो वो क्या होंगी स्पिन अलाउड ट्रांजिशंस होंगी तो ये है स्पिन अलाउड ट्रांजिशंस पहला क्योंकि टी टू जी से टी टू जी और सेकेंड स्पिन अलाउड ट्रांजिशंस स्पिन अलाउड ट्रांजिशंस ये वाला काम हो जाएगा तो इसलिए ये रिएक्शन हो जाएगी वेरी वेरी फास्ट यहां पे भी अगर हम लोग देखें स्पिन अलाउड यहां पे जीरो अनपेड इलेक्ट्रॉन तो जीरो होगा तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्या होगी वन जब इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाएगा तब यहां पे भी स्पिन मल्टीप्लिसिटी हो जाएगी वन तो ये भी स्पिन अलाउड है तो इस तरीके की चीज़ें आपको अप्लाई करनी है अब हम करेंगे क्वेश्चन और इसके बाद कराऊंगी मैं मार्कस इक्वेशन और फिर एक दो क्वेश्चन फिर इस क्लास को बंद करेंगे सो so गाइज़ अब हम लोग करते हैं मार्कर इक्वेशन देखो मार्कर इक्वेशन बहुत ही सी इक्वेशन है वो ये है के वन टू इज इक्वल टू के वन वन के टू टू कैपिटल के वन टू एफ उन पूरे का अंडर रूट हाफ मतलब पूरे का इस पूरे को मल्टीप्लाई जब कर लोगे उनका अंडर रूट एफ क्या है एफ होता है स्टेरिक फैक्टर इसको हम नियरली वन लेते हैं अब ये सब चीज़ें क्या हैं देखो ये है रेट ऑफ द सेम रिएक्शन जिसमें सेम मेटल एक्सचेंज हो रही है जैसे कि आयरन आयरन तो अगर इन मतलब ये जब रिएक्शन हमारी लिख रखी हो और के की जो वैल्यू दिख रखी होगी स्मॉल के की तो उसे हम बोल देंगे के वन वन ठीक है ऑफ द सेल्फ एक्सचेंज रिएक्शन ये है सेल्फ एक्सचेंज रिएक्शन का रेट कॉन्स्टेंट का रेट कांस्टेंट ठीक है रेट कांस्टेंट ऑफ सेल्फ एक्सचेंज रिएक्शन इसी तरीके से ये सेकंड रिएक्शन का है आपको दे रखी होंगी रिएक्शंस की दे रखी होंगी पर ये भी सेल्फ एक्सचेंज का ही है ये है इक्लेब्रियम कांस्टेंट ऑफ ये है रेट कांस्टेंट ये है इक्लेब्रियम कांस्टेंट ऑफ सबकी वैल्यू दे रखी होगी ये गेट में ज़्यादा पूछा जाता है नेट के कंपैरिजन में क्योंकि वहाँ कैलकुलेटर अलाउड होता है इक्लेब्रियम कांस्टेंट ऑफ क्रॉस रिएक्शन क्रॉस का मतलब है अगर यहाँ आयरन है तो दूसरे कॉम्प्लेक्स में यहाँ क्रोम क्रोमियम या कोबाल दे रखा होगा ऑफ क्रॉस रिएक्शन तो आपको निकालना होगा रेट कॉन्स्टेंट ऑफ क्रॉस रिएक्शन रेट कॉन्सटेंट ऑफ क्रॉस रिएक्शन तो उसके लिए ये इक्वेशन आप यूज़ करोगे डायरेक्ट फॉर्मूला लगता है सिंपल सा है आ जाता है इसी को हम बोलते हैं मार्कस इक्वेशन और होसिक एक्शन इक्वेशन अब ये दो क्वेश्चन करते हैं ये सी एस आई नेट में आ चुके हैं दोनों के दोनों क्वेश्चन पहला क्वेश्चन बोलता है कि सेट ए सेट बी दे रखे हैं आपको ये बताना है कि सबसे स्लोएस्ट लीग एंड एक्सचेंज जैसे इस सेट में से कौन करेगा इस सेट में से कौन करेगा स्लोएस्ट लीगेंट एक्सचेंज का मतलब क्या है कौन सा कॉम्प्लेक्स इनर्ट है तो आप कैसे निकालोगे इनर्ट आप सबका ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल दो माइनस सिक्स तो ये अल्यूमिनियम हो गया थ्री प्लस क्योंकि जब मैंने कैनेटिक लेबिलिटी करवाई थी उसमें ये भी बताया था जितना ज्यादा स्मॉलर साइज उतना ज्यादा स्ट्रोंगर बॉन्ड और जितना ज्यादा स्ट्रोंगर बॉन्ड होगा वो लीगेंट को एक्सचेंज नहीं करेगा जल्दी तो हम ये देख लेते हैं किसके पास चार्ज ज्यादा है ये हो गया माइनस सिक्स तो यहाँ पे माइनस सिक्स इक्वल माइनस वन तो सिक्स वहाँ पे गया फाइव तो P के ऊपर हो गया फाइव प्लस यहाँ पे क्योंकि इस पर माइनस सिक्स तो इस पर आ जाएगा प्लस सिक्स इस पर क्या आ जाएगा सिलिंगन के ऊपर माइनस सिक्स इज इक्वल टू माइनस टू तो ये हो जाएगा प्लस फोर तो मतलब सबकी आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लोगे चार्जेस निकालोगे सबसे ज़्यादा चार्ज सल्फर के ऊपर है तो ही बात है सबसे स्मॉल और का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा उतना ही ज्यादा इनर्ट होगा इसी तरीके से सेम इसमें करो बेरियम कैल्शियम मैग्नीशियम स्टॉन्शियम सब पे टू प्लस टू प्लस चार्ज है बेरियम टू पॉजिटिव कैल्शियम टू पॉजिटिव ये मैंने अच्छे से करवाया था मैग्नीशियम टू पॉजिटिव एंड स्टॉनशियम टू पॉजिटिव तो ये बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी तो ये इस साइड वाले सबसे ज्यादा यहाँ से, से साइज बढ़ता है ऐसे 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 सबसे छोटा साइज मैग्नीशियम टू पॉजिटिव का तो आंसर इसका आ जाएगा ये दोनों मतलब एस एफ सिक्स एंड मैग्नीशियम वाटर सिक्स टू पॉजिटिव ठीक है ये हो जाएगा इसका आंसर नेक्स्ट ये दो तो रिएक्शंस दे रखी थी आप बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये इनके रेट दे रखे थे आपको साफ पता चल रहा है ये फोर पर मोल पर सेकेंड है ये थ्री इंटू टेन डो सुपो सेवन कितना ज़्यादा रेट है मतलब ये रिएक्शन कितनी ज़्यादा फास्ट होगी क्वेश्चन था वाई दिस बी रिएक्शन ये मान लो ए है वाई ये भी आ सकता है कि कौन सी फास्ट है मान लो ये रेट नहीं दे रखा या आ सकता है कि ये वाले फास्ट क्यों हैं तो क्यों है क्योंकि यहाँ पे पाई एसेप्टर लीगेंट है इट इज़ ए पाई एसेप्टर लीगेंट दूसरा लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बना रखा है Pairing कराएगा ये पेयरिंग नहीं कराएगा अभी मतलब वो वाली दीजिए देखो कि किसमें फास्ट रिएक्शन हो रही है ठीक है तो इसका आंसर था उसमें एक ऑप्शन था जो सबसे बढ़िया ऑप्शन ऑर्बिटल का मतलब है जिसमें वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सके इसी का दूसरा नाम होता है पाई एक्सेप्टर लीकेंड पाई एक्सेप्टर लीकेंड मतलब इट इज हैविंग अ पाई एक्सेप्टर लीग तो आपको इस या तो ये आ जाता है ये ये आ जाए दोनों बातें एक जैसी हैज लो लाइंग पाई एंटी स्टार ऑर्बिटल ठीक है line, pi, uh, orbital, तो इस तरीके के क्वेश्चंस इसमें से आते हैं हम लोग प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस करेंगे तो आपकी और अच्छी से प्रैक्टिस हो जाएगी ये मैंने इन शॉर्ट आपकी रिवीजन कराई सो दैट अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर हैं तो क्लियर हो गए होंगे अगर स्टार्टिंग में तो बेस बन गया होगा ठीक है कल और क्वेश्चंस के साथ इनर स्वेयर कॉम्प्लेक्स करेंगे थैंक यू i'm smart what did he